कैसे पगंडी आप बोल दिए? इतना दूर जो जा रहा है, बहुत डायलॉग मार रहे हो, बहुत डायलॉग मार रहे हो, बहुत डायलॉग मार रहे हो। गलत रिपोर्टिंग नहीं किया, बहुत डायलॉग मार रहे हो। सुनो सुनो हाँ, यही आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी एक घर पर टारगेट करना अच्छी बात है। हम बोले किसी इंसान को भगवान मानना अच्छी बात है, किसी इंसान को भगवान मानना अच्छी बात है। सुनिए, हमारा आस्था है कि मनुष्य मैडम आप भी देहात में जो है किसी के सांप काट लेता है ना, फलना आदमी झाड़ रहा है। जय श्री राम बोल रहे हैं ना, हनुमान चालीसा तुम सुनो। हनुमान चालीसा तुम सुना? हनुमान चालीसा नहीं है, नहीं याद है, नहीं। कोई भी ग्रंथ सुना? कोई भी ग्रंथ सुना? कोई भी ग्रंथ क्या सुना है? कोई भी ग्रंथ? अरे और सब है ना, पूछिए ना उससे। वेद का कुछ भी सुना है तुम? वेद का कुछ? हाँ, लेके आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला सकते हैं, यहाँ पे सुनाइए, आप सुन जाए। अगर हम नहीं जानते हनुमान चालीसा, सबका नियम हनुमान चालीसा, टाइम एंड टाइट नॉट फॉर नून, हनुमान चालीसा सबका टाइम होता है। हनुमान चालीसा हाँ, हम जरूर जानते हैं। इतना बिहार सरकार का समर्थन नहीं है ना, वोट कीजिए। बाबा पे की बात है, बाबा पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से बिहार में बाबा प्रवेश किए हैं और बीजेपी दल इसको अपना राजनेता समझ रहे हैं, अगर बाबा है तो अपने हिसाब में रहेंगे, वो ग्रंथ करेंगे, चालीसा करेंगे, उससे कोई मतलब? सब लोग तो गलत नहीं ना है, तो आसाराम के भी ऐसे ही सब भगवान मान लिए थे उनको भी, देखिए उनके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ, वो गलत किए, वो न्यायालय उनको अपना दंड दे चुकी है। उनको भी तो आप लोग भगवान मानते थे, जैसे मानने वाले उनके भी अनुयायी हैं, आज भी मान रहे हैं, जेल में हैं फिर भी मान रहे हैं। बेदकर को चमकाते हैं, अगर उसको छू लेते हैं तो दूध से उनको धोते हैं, और मंदिर जाते तो उनको जाने में मना किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अंधभक्त है। और इस तरीके का बयान अगर बाबा देते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। हिंदू हिंदू राज मुस्लिम राज, ये गलत बात है। ये तो बात जानते ही हैं कि घर बर्बाद है बेटा में, देश बर्बाद है नेता में, तो जनता हो या राजनेता हो दोनों में से कोई ठीक नहीं है। और जब चुनाव होता है तो बिना दिए कोई वोट देता है क्या? कोई भी जनता बिना दिए वोट नहीं देता, तो घर बर्बाद बेटा में और देश बर्बाद नेता में। यदि कोई भी ऐसी टिप्पणी करता इसमें कोई व्यक्तिगत इसकी राय सुने है बाबा का, किस चैनल पर? बाबा है तो बाबा ने पहले कह दिया मेरे पागलों, बाबा ने कहा कि मैं यहाँ हिंदू हिंदू करने आया हूँ, ये राजनेताओं का काम है हिंदू मुस्लिम करना, मेरा काम नहीं है। तो बाबा अगर बाबा किसी को पागल कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। वो देखिए देखिए पागल 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 शब्द का, देखिए पागल शब्द का बिहार में इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अभी पता है कि अभी चचा और भतीजा का सरकार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको गिराना भी है। लेकिन देखिए ये सब बकते रहेंगे, कौन क्या कहता है इस पे ध्यान नहीं देना। 24 में हम लोग जेडीयू और आरजेडी मजबूती से सरकार बना रही है और राज्य से लेके केंद्र तक कुर्सी हिल रही है। कई पे व्यक्ति ऑटोमेटिक पड़ेंगे, देखिए चमत्कारी मानते हैं बाबा, बाबा को हम क्यों चमत्कारी मारेंगे? देखिए हम ईश्वर और अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, और दुनिया हम किसी को नहीं मानते। और हम जब यहाँ पे हम पहुँचे तो बहुत सारे जय श्री राम के नारे हो रहे थे, लेकिन जय श्री राम के नारों के बीच में अगर इन लोगों से कोई भी सवाल पूछा गया तो ये लोग जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक अम्बेडकर वादी आया और सारे लोग पे करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो 13 मई को उनका आगमन हुआ है पटना में, और जिस तरह से देखे हैं आप कि वहाँ तरेत मठ में कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है, बोला जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। और वहाँ पे जो दिव्य दरबार लगने वाला था वो नहीं लगा, लेकिन रात में वीआईपीओ के लिए दिव्य दरबार लगा है। तो आइए जानते हैं आज लगा है दिव्य दरबार, आज लगा है, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा जब यहाँ पे आए हैं तो लोगों को कितना विश्वास
बाबा से तो विश्वास होगा ही। जय श्री राम। चमत्कार करते हैं? नहीं बात नहीं करते हैं, लेकिन चमत्कार तो है ही। चमत्कार करते हैं? बिल्कुल चमत्कार करते हैं। एक बात बताइए, चलिए बंगाल से आया, वेस्ट बंगाल से आया कलकत्ता से बाबा को दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गया, सुने की वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की कमी? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं है, लेकिन बहुत भारी संख्या में लोग जमा हुआ था, इसीलिए गर्मी। लोग बीमार पड़े? नहीं बीमार नहीं पड़ा। बिल्कुल बीमार तो पड़े हैं। मैं नहीं देखा वो बीमार कोई पड़ा है, मैं भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन गर्मी ज्यादा है, पंखा है। बाबा के पास बहुत सारा एसी लगा हुआ है, बाबा को गर्मी लगता है, बताइए इतने चमत्कार। देखिए देखिए, ये बात नहीं है, क्योंकि 10 लाख लोग जमा हुआ है, सबको तो एसी थोड़ी नहीं लगा पाएंगे ना। पंखा था, छावा था, बहुत सारा लोग हुआ था, चमत्कार हुआ है। मानते हैं कि बाबा फूंक देते हैं, लंगड़ा चलने लगता है? ऐसा नहीं होता है। विश्वास है बाबा जी पे? विश्वास है, तब है विश्वास है। हाँ जी विश्वास है। चमत्कार करते हैं बाबा? देखिए सनातन धर्म में ही हम लोग को बहुत सा ऐसा चीज है जिस पे आज बहुत सा देश के यूनिवर्सिटी उस पे रिसर्च कर रही है। जैसे गायत्री मंत्र को आप देख सकते हैं, दिल्ली एम्स का उस पे रिसर्च है, आप महामृत्युंजय मंत्र को देख सकते हैं, उस पे रिसर्च है। सनातन धर्म में आज जितना आप हवाई जहाज देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, सब हम लोग के वेद से ही आया हुआ है। आज विज्ञान से क्या आया है? विज्ञान आज जो विज्ञान देख रहे हैं वो हम लोग का आया है। जो आज विज्ञान आप देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं, आप सुने होंगे सनातन में एक पुष्पक विमान, आज उसी का प्रतिरूप आपको देखने को मिला। पुष्पक जो विमान था वो गया? आज उसी का रूप ना है जी, उसी का रूप है, चेंज नहीं हो रहा है। आप पढ़े होंगे पहले आदमी लोग जंगल में रहते थे, उसके पूछ होते थे, धीरे धीरे चेंज होते गया समय के अनुसार। अच्छा, जब आदमी जंगल में रहते थे उनके पूछ होते थे, तो आदमी से पहले भगवान आए थे ना, भगवान जी का पूछ नहीं था, वो आदमी को भेज दिया पूछ के साथ। बताइए, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, पूछ रहे हैं आपसे, वही बताइए। प्री मैग्ना ने ऐप पढ़े होंगे आप? हाँ बताइए ना। हाँ। उसमें क्या था? नहीं, आपसे जो हम पूछे वो बताइए। आप बोल रहे कि पहले आदमी के पास पूछ था, तो पूछ के पहले भगवान थे ना? भगवान थे नहीं? तो भगवान पूछ के साथ आदमी को पैदा किया? भगवान भगवान आप नहीं मानते? भगवान मानते हैं, लेकिन किसी इंसान को भगवान मानना सही है? देखिए कुछ तो उनके अंदर है, तभी तो लोग उतना इकट्ठा हो रहे हैं। भगवान है वो? भगवान नहीं कह रहे हैं, कुछ उनके अंदर दैवीय शक्ति है, तभी कुछ लोग इतना लोग जा रहे हैं। आपके पास क्यों नहीं उतना लोग आ रहे हैं? अगर आप माइक लेके छोड़ दें तो उतना लोग आ जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिन पर आ जाते हैं कुछ तो। अच्छा, आसाराम के बात बताइए ना, आसाराम के लाखों भक्त थे? आसाराम के लाखों भक्त थे? मैम ट्रेन छूट रही है अभी। ट्रेन नहीं, जवाब दीजिए, जब जवाब आपसे मांग रहे तो बोलो ट्रेन। आसाराम के लाखों भक्त थे, क्या हुआ आसाराम का? देखिए सब लोग तो गलत नहीं ना है, तो आसाराम के भी ऐसे ही सब भगवान मान लिए थे उनको भी? देखिए उनके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ, वो गलत किए, वो आप न्यायालय उनको अपना दंड दे चुकी है। उनको भी तो आप लोग भगवान मानते थे? जैसे मानने वाले उनके भी अनुयायी हैं, आज भी मान रहे हैं, जेल में हैं फिर भी मान रहे हैं। बीमार पड़ गए वहाँ पे, उनको क्यों नहीं ठीक कर दिया चमत्कार से? सबको संभव नहीं ना है एक साथ ठीक करना। चमत्कार से क्यों नहीं ठीक कर दिए? उनके दरबार में कोई आएगा और बीमार पड़ जाएगा। एक चीज का और जवाब हमको देते जाइएगा। जब उनके पास दिव्य शक्ति है तो उनको पता नहीं था कि बिहार में इस टाइम पे कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है और मेरे इतने सारे फैन फ्लोइंग है, तो आ जाएंगे उनका क्या होगा? वो व्यवस्था जो किए थे जो उनमें अति कमी नहीं, दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देखे कि बिहार में इतना ज्यादा? सबको संभव थोड़ी है, आप लोग ने बोल रहे हैं कि उनमें शक्ति है, तो बताइए। शक्ति तो है, इसमें थोड़ी दो राय है। आप क्या करते हैं? मैं खुद स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है तब बाबा से अर्जी लगवा लिए, नौकरी हो जाएगा? अर्जी वहाँ पहुँचना संभव नहीं ना है? पहुँचना संभव नहीं है। बस क्या बोल रहे हैं आप? हम ना कुछ बोलते हैं। कितना विश्वास है बाबा पे? कितना विश्वास है बाबा पे? हम बोलना नहीं चाहते। नहीं बोलिए ना। अरे आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बोलिए बोलिए आप। नहीं आप बोलिए ना, पूछेंगे तो हम ना बोलेंगे। बताइए आप, बताइए ना। हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। हम तो खुद मोबाइल पर टीवी पर। उनके पास सिद्धि है। इस मंदिर का पट कितने बजे
बंद होता है ये बताइए। ये कैसे बताते? शाम में आपके घर में सुबह पूजा होता है, शाम में सांझ दिखाया जाता है ना? दिखाया जाता है। क्यों सांझ दिखाया जाता है ये बताइए? सांझ क्यों दिखाया जाता? भगवान को विश्राम करने के लिए। वो कौन से हनुमान जी से बात करते हैं जो रात में दरबार लगाते हैं? रात में कहाँ दरबार लगता है? दरबार तो अभी जो पनास होटल में रात में जो दरबार लगाया गया, आपको कल रात के बारे में पता नहीं है? अब दो रात बताइए। नहीं नहीं आप बताइए कौन सा दरबार लगा था बताइए। अब जा देखेंगे सर, उनके पास तो सिद्धि है ही, इतना कन्फर्म में है कि अब तो हम पागल हैं, इतना लोग तो आ रहा है, वो पागल तो नहीं है। मतलब आप लोग को तो बोल ही रहे हैं कि बिहार के लोग पागल हैं, उनका स्टेटमेंट है कि नहीं कि बिहार के लोग पागल हैं? बिहार के लोग पागल हैं बोल रहे हैं कि नहीं बताइए? आप बता बोले हैं ना कि बिहार में बिहार के पागलों आप लोग को संबोधित किए हैं? वो प्यार से बोल रहे थे। वो प्यार था मतलब प्यार से प्यार से आपकी मम्मी आपको पागल बोलती है? हाँ बोलती है, अफकोर्स बोलती है, कुछ भी बोलती है मम्मी, कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है। तो बिहार के लोग पागल, बिहार के लोग पागल है, बिहार में चाणक्य प्यार से बोलते हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। चाणक्य पागल थे, चाणक्य पागल है, लेकिन राजेंद्र उनका तारीफ किया, आज उनका जाके स्पीच सुनिए, तारीफ कर रहे थे। अच्छा पहले पागलो बोल दिए, पागलो भक्त को बोले, अपना भक्त को बोले पागलो। अच्छा तो मतलब आप उनके लिए पागल हैं? हाँ हम पागल हैं, उनके लिए पागल हैं, तभी तो हम जानना चाहते हैं कि वहाँ लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे। कहाँ बीमार पड़ रहे हैं? वहाँ जो इतने सारे लोग बीमार पड़े, आदमी की ना गलती है, जा रहा देखने प्रेम है इसीलिए ना हो रहा, भीड़ की वजह से हो रहा, और बाबा बीमार कर रहे हैं। बाबा के पास इतना शक्ति नहीं था, जानते नहीं है इस टाइम बिहार का मौसम? बाबा के पास शक्ति इतना कैसा होगा? अरे कभी बोलते हैं शक्ति है, कभी बोलते हैं हम कहाँ बोल सकती है, बाबा कथा कहने वाले कथा करके जा रहे हैं, कथा कहने आ रहे हैं, कथा करके जा रहे हैं। तो बाबा कौन सा दरबार 2 बजे रात में लगा देते, वो भी वीआईपी लोगों के लिए? बाबा आए मिलने, वीआईपी लोग मिलने जा रहे हैं उनसे, सब हम भी जा रहे हैं, जमीनी व्यक्ति भी जा रहा है। सांझ के बाद भी पूजा होता है? सांझ के बाद भी पूजा होता है आपके घर में? होता है, होता है, शाम को नहीं दिखाया जाता है अगरबत्ती घर में? वही तो बोल रहा हूं, क्यों दिखाया जाता है? मिलने जा रहा है तेजस्वी यादव भी, जा रहे हैं मिलने बाबा से। कौन बोल रहे थे? बाबा जा रहे हैं मिलने, बाबा जा रहे थे तेजस्वी यादव से मिलने, अभी पढ़ते हैं एक आर्टिकल हम भी। बाबा जा रहे थे, देखिए अब कहाँ होते हैं, आगे आपको पता चला है कुछ? रुकिएगा, बाबा से मिलने गए हैं? नहीं नहीं, बाबा से मिल के आ रहे हैं? नहीं बाबा से मिले हैं लेकिन आज नहीं गए, आज नहीं गए। बाबा पे विश्वास है? पूरा विश्वास है। बाबा चमत्कारी है? चमत्कारी हनुमान जी है, बाबा नहीं है। चमत्कारी हनुमान जी है, बाबा नहीं है? बाबा नहीं है, हनुमान जी का आशीर्वाद से सारा कुछ बताते हैं। हनुमान जी से मतलब आपको लगता है कि हनुमान जी से बात करते हैं? एकदम बात करते हैं, एकदम बात करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हनुमान जी का ये मंदिर है, ठीक है, इनका पट लगभग 7-8 बजे बंद हो जाता है, लेकिन वो वीआईपी तो आरती होता है, 8 बजे आरती के बाद बंद होता है पट बंद होता है, लेकिन वो वीआईपी लोगों के लिए कौन सा दरबार लगाते हैं जो 2 बजे रात में खुलता है? कौन 2 बजे रात? पनास होटल में आपको पता होगा दरबार लगा हुआ था, दिव्य दरबार? नहीं नहीं पता है, गलत भी मत बोले। क्यों कोई आके बोल यहाँ पे पाखंड करेगा और आप लोग मान लीजिएगा? पाखंड आपको किस तरह का पाखंड? नहीं पाखंड, सच मीडिया दिखाता ना, मनीष कश्यप सच दिखाता था ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सच दिखाता ना, सच दिखाने वाले पत्रकार को अंदर कर देते हैं, मेरी बात सुनिए, वहाँ के धर्म निरपेक्ष अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो गलत रिपोर्टिंग मत कीजिए। अब उसको बंदर है कि कैसे पगंडी आप बोल दिए, इतना दूर जो जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग मार रहे हो, बोलिए बहुत ज्यादा लोग मार रहे हो, बहुत ज्यादा लोग मार रहे हो, गलत रिपोर्टिंग नहीं किया, बहुत ज्यादा लोग मार रहे हो, सुनो सुनो यार, हाँ बस यही आते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी एक घर पर टारगेट करना अच्छी बात है, हम बोल रहे हैं किसी इंसान को भगवान मानना अच्छी बात है, किसी इंसान को भगवान मानना अच्छी, सुनिए हमारा आस्था है किसी इंसान को भगवान मानना अच्छी बात है। अब देहात में जो है किसी के सांप काट लेता है ना, फलना आदमी झाड़ रहा है, जय श्री राम बोल रहे हैं ना, हनुमान चालीसा तुम सुनो, हनुमान चालीसा तुम सुना? हनुमान चालीसा नहीं है, नहीं याद है, नहीं कोई भी ग्रंथ सुना? कोई भी ग्रंथ क्या सुना है? कोई भी ग्रंथ? अरे और सब है ना, पूछिए ना, वेद का कुछ भी सुना है? वेद का कुछ
धर्म का लेके आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला सकते हैं, यहाँ पे सुनाइए आप सुन जाए। अगर हम नहीं जानते सबका नियम टाइम एंड टाइट नॉट फॉर नून, सबका टाइम होता है, हम जरूर जानते हैं। इतना बिहार सरकार का समर्थन नहीं है ना, वोट कीजिए। बाबा यहाँ हनुमंत कथा कहने के लिए आए हैं, पाखंड करने के लिए नहीं आए। बोलता हूँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सुनिए एक मिनट। ऋषि विश्वामित्र 60,000 वर्षों तक तपस्या किए और एक मेनका ने चूड़ी खनकाई और उनकी 60,000 वर्षों की तपस्या बन गई। ये राम रहीम आसाम बाबू के का मूली है, समझे ना? तो ऐसी बात नहीं बोलिए। राम रहीम, हाँ सुनिए, कोई नहीं बाबा शरीर की बात है, बाबा पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से बिहार में बाबा प्रवेश किए हैं और बीजेपी दल इसको अपना राजनेता समझ रहे हैं, अगर बाबा है तो अपने हिसाब में रहेंगे, वो ग्रंथ करेंगे, चालीसा करेंगे, उससे कोई मतलब, वो अपने मतभेद की बात करेंगे। अगर बीजेपी इसको राइट हैंड समझती है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। इसमें एससी एसटी ओबीसी जाति जनजाति आदिवासी पासी का सम्मान होना चाहिए। देखिए बाबा का काम है बोलना, लेकिन वैसे लोगों को सोचना चाहिए जो अंबेडकर को चमकाते हैं, अगर उसको छू लेते हैं तो दूध से उनको धोते हैं, और मंदिर जाते तो उनको जाने में मना किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अंधभक्त है। और इस तरीके का बयान अगर बाबा देते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। हिंदू राज मुस्लिम राज, ये गलत बात है। इसमें अगर बीजेपी ग्रंथ से हो, अगर बाबा उतने ही होनहार है तो देश में बेरोजगारी, युवा परेशान, इस पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगर बाबा है वो कथा करने आए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये तो बात जानते ही हैं कि घर बर्बाद है बेटा में, देश बर्बाद है नेता में। तो जनता हो या राजनेता हो, दोनों में से कोई ठीक नहीं है। और जब चुनाव होता है तो बिना दिए कोई वोट देता है क्या? कोई भी जनता बिना दिए वोट नहीं देता। तो घर बर्बाद बेटा में और देश बर्बाद नेता में, यदि कोई भी टिप्पणी करता, इसमें कोई व्यक्तिगत इसकी राय नहीं होनी चाहिए। हर लोगों को अधिकार देना चाहिए, ठीक है। और रही बात, कोई विशेष पार्टी धर्म का प्रचार करता है, सही है? देखिए विशेष पार्टी को धर्म के अंदर नहीं आना चाहिए। आप एक नेता हैं, आपको लोकतंत्र के हक में आना चाहिए। अगर बाबा हो, कोई हो, बाबा बिहार है, हम उनका स्वागत करते हैं उनका। अगर बाबा बिहार आए हैं तो वो बिहार से बाहर के, तो हम उनका स्वागत करते हैं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन विशेष पार्टी को इस पे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो या कुछ भी हो, ऐसा टिप्पणी देना ये गलत है। कहीं ना कहीं ये औपचारिक रूप से बिल्कुल भी गलत है। टिप्पणी सुने हैं बाबा का? किस चैनल? बाबा है तो बाबा ने पहले कह दिया मेरे पागलों, बाबा ने कहा है मैं यहाँ हिंदू करने आया हूँ। ये राजनेताओं का काम है हिंदू मुस्लिम करना, मेरा काम नहीं है। तो अगर बाबा किसी को पागल कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। पार्टी से जुड़ा एकदम नहीं लगता। यदि देखिए बिहार के लोग पागल नहीं है, बिहार में जितने आईएएस आईपीएस हैं, जिस हिसाब से नालंदा विश्वविद्यालय है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लोग पहले सोचें कि जितना आईपीएस, अभी आपको पता होना चाहिए पूर्व दिन पहले बिहार के 1987 बैच के कैडर आईपीएस ऑफिसर को सीबीआई कमांड का मेन राइडर बनाया गया, आप लोग पेपर में देखे होंगे। पहले कहीं बयान सुने हैं, वो गए हैं तो बोले हैं कि महाराष्ट्र के पागलों हम महाराष्ट्र आ रहे हैं, दिल्ली के पागलों हम दिल्ली आ रहे हैं, पर बिहार की वो देखिए पागल शब्द का बिहार में इसलिए भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अभी पता है कि अभी चचा और भतीजा का सरकार चल रहा है,
तो कहीं ना कहीं उसको गिराना भी है। लेकिन देखिए ये सब भक्ते रहेंगे, कौन क्या कहता है इस पे ध्यान नहीं देना। 24 में हम लोग जेडीयू और आरजेडी मजबूती से सरकार बना रही है और राज्य से लेके केंद्र तक कुर्सी हिल रही है। कहीं पर व्यक्ति ऑटोमेटिक पड़ेंगे। देखिए हमने आपको ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, हम जय श्री राम पे, देखिए हम जय श्री राम पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते न हमें हनुमान चालीसा आता। हम जात और मतभेद की बात नहीं करते हैं, हम इतना जानते हैं कि इस देश में एससी ओबीसी जाति जनजाति आदिवासी पासी है, उसका सम्मान होना चाहिए और हर एक तरह के लोग के जो दल है सबका अधिकार सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो। अगर इस तरीके का करता तो जनता बेवकूफ कर भी काम करता। और किसी भी धर्म को लेके आप पार्टी में जीत हार का, जैसे बजरंग बली के नाम पे कर्नाटक में हुआ लेकिन फिर भी वहाँ क्या जीता, वहाँ गैस जीता, बजरंग बली नहीं जीते, बजरंग बली का साथ कर्नाटक को मिल गया। ये तो बिहार की जनता भी जानती है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी रैली में जाते थे तो बस फट्टा सब टूट जाता था। आप लोग मीडिया बंधु के लोग हैं, आप लोग को तो पता है कि जब तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव चुनाव मैदान में जाते थे तो अट्ठा पट्टा आस पास जितना होता था टूट जाता था, और बीजेपी दल के लोग जाते थे तो ऐसा कोई। जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है ये लोग चिल्ला रहे हैं, क्या आरजेडी जेडीयू को कोई फर्क पड़ेगा? क्या भूल गए पप्पू यादव को जब इतना पानी में डूब के खिलाता था? उस टाइम कहाँ था जब सुशील मोदी जी 6 इंची का पैंट पहन करके पटना छोड़े थे? उस टाइम कहाँ सोए थे? लेकिन लोगों का काम है बोलना, कौन क्या बोलता है उस पर टिप्पणी नहीं कीजिए, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आज जो परेशान है बदहाल है तो जरा जाके उसके इतिहास को पढ़ा जाए, आखिर वो क्यों ये है। अभी जब बच्चा स्नातन करता है उसके बाद जो उस शिक्षा हासिल करता है तो 4 लाख रुपया नीतीश कुमार जी देते हैं। चमत्कारी मानते हैं बाबा को? हम क्यों चमत्कारी मारेंगे? देखिए हम ईश्वर और अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं और दुनिया हम किसी को नहीं मानते। और हमने पहले भी आपको कहा कि देश घर बर्बाद बेटा में और देश बर्बाद नेता में, तो हम किसी को नहीं मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इसमें कहीं कोई टिप्पणी नहीं। चलिए यहाँ पे तो जब यहाँ पे